वेलकम दोस्तों, अगर आपका HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उसको जो रिवार्ड पॉइंट जमा हुआ है कार्ड में, वो रिवार्ड पॉइंट्स को आप कैसे कैश में रिडीम करेगा, ये वीडियो में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करता है। पहला, HDFC नेट बैंकिंग का पेज ओपन करके लॉगिन आईडी पासवर्ड देके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट का डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद ऊपर में देखिए जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस के अंदर कार्ड ऑप्शन में आपको क्लिक करने का है। कार्ड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपका कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके अंदर इंक्वायर ऑप्शन में क्लिक करना है। इंक्वायर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर रिडीम रिवार्ड पॉइंट्स, ये ऑप्शन में क्लिक करना है। इसमें जो पेज ओपन होगा इसमें आपका कार्ड का डिटेल्स आ जाएगा, उसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करने का। इसके बाद जो पेज ओपन होगा इसको ज़रा ध्यान देना है। अगर आपका पॉपअप ब्लॉक कार्ड इनेबल है, पहले आपको उसको डिसेबल करने का है। इसके लिए आपको ये जो बैक ऑप्शन में है, बैक ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड ऑप्शन में इसमें जाके क्लिक करने के बाद देखेगा पॉपअप का ऑप्शन आएगा, उसको आपको डिसेबल करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जो पेज ओपन होगा, ये HDFC का रिडीम रिवार्ड पॉइंट का पेज ओपन होगा। इसमें देखिए टोटल रिवार्ड पॉइंट जमा हुआ है 2502, इसको अभी कैसे रिडीम करने का है कैश में। इसके नीचे देखिए ये सारी ऑप्शन है, इसमें आप आपका रिवार्ड पॉइंट आप रिडीम कर सकता है। मैं इसको कैश में रिडीम करेगा, इसलिए कैश में क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें रिवार्ड पॉइंट का डिटेल्स मिल जाएगा, कितना पॉइंट आप रिडीम कर सकेगा, कितना आपको कैश मिलेगा। ये देखिए इधर 2502 पॉइंट अवेलेबल पॉइंट्स है, इसको रिडीम करेगा तो 500 रुपीज़ इक्विवेलेंट अमाउंट मिलेगा। तो मैं इधर पूरा के पूरा मैं रिडीम करेगा, अगर चाहेगा तो इससे कम भी आप रिडीम कर सकता है। मैं इधर 2502 इसमें इतना पुट करने के बाद राइट साइड में इसमें क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए 500 रुपीज़ आ गया है। इसके बाद इसको नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद डिटेल्स का जो पेज आएगा, देखिए ये कार्ड नंबर है, कितना रिवार्ड पॉइंट है, रिडीम कितना किया है, कितना कैश मिलेगा। इसके बाद वो नीचे वाला जो चेक बॉक्स है उसको चेक मार्क लगाना है, फिर रिडीम नाउ इसमें क्लिक करना है, ये रिडीम नाउ ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद जो ओपन होगा देखिए, इसको फिर श्योर करने के बाद ये पेज को फिर कंफर्म करना है। इसके बाद देखिए ये जो पेज ओपन होगा इसमें ऑर्डर नंबर मिल गया है, ये अभी प्रोसेसिंग में जाएगा। ये प्रोसेसिंग होने के लिए 2-3 दिन लग जाएगा। ये देखिए फिर रिवार्ड पॉइंट का ऑप्शन में आएगा तो इसमें देखेगा आपका जो पॉइंट है वो ज़ीरो हो गया, यानी आपका जो पॉइंट था वो प्रोसेसिंग में चला गया। इसके बाद आप फिर 2-3 दिन के बाद आपका नेट बैंकिंग में लॉगिन करेगा और उसके बाद आपका कार्ड ऑप्शन में जाएगा तो आप देखेगा आप जो डेट में आपका वो रिवार्ड पॉइंट रिडीम किया था वो डेट में आपका कार्ड में उसको क्रेडिट होगा। ये देखिए 23 को मेरा 500 रुपीज़ कार्ड रिडीमशन का कैशबैक मिल गया है।